आज हम लेकर आता खट की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,68,332 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,850 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 155 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,53,502 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 10,599 लोगों की जांच में सिर्फ 54 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 23, देहरादून में 15, हरिद्वार में 10, उधम सिंह नगर में 2, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ जिले में 1-1 संक्रमित मिले, जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिले में नया संक्रमित नहीं मिला। 24 घंटे में प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1,631 कोरोना की अब तक मौत हो चुकी है। कुंभ में आने के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। तो हरिद्वार में कुंभ में आने के लिए 72 घंटे के भीतर की कोविड RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है, इसके बिना कुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 27 फरवरी से शुरू हो सकता है मेला। तो हरिद्वार कुंभ मेला 27 फरवरी से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार ने वार्ता के दौरान केंद्र सरकार को यही प्रस्तावित तिथि बताई है। अल्मोड़ा से खबर है, घरों तक पहुंची जंगल की आग, 2 महिलाएं झुलसी। तो अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में थाना मटेना में रविवार को लगी जंगल की आग आवासीय क्षेत्र तक पहुंच गई। आग बुझाते वक्त सास और बहू बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल अल्मोड़ा लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर भेज दिया गया है। ट्रैक्टर रैली को पुलिस की मंजूरी, टिकरी सिंघू गाजीपुर में ही प्रवेश। तो गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने रविवार को 3 रूटों को आधिकारिक मंजूरी दे दी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि राजपथ की मुख्य परेड खत्म होने के बाद ही टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमा के किसानों के ट्रैक्टरों को दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। व्हाट्सएप से जासूसी की साजिश में चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध मामले में जांच के दौरान चीन से व्हाट्सएप पर जासूसी का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएस ने इस मामले में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मोबाइल नंबरों से चीन में व्हाट्सएप नियंत्रित किया जा रहा था। चीन ने व्हाट्सएप प्रतिबंधित है, ऐसे में माना जा रहा है कि इन नंबरों से पाकिस्तान में व्हाट्सएप चलाया जा रहा है या चीन इन नंबरों से जासूसी कर रहा है। एक दिन की सीएम बनी सृष्टि गोस्वामी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी ने खूब तेवर दिखाए। बतौर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों को उन्होंने बाल अपराधों पर लगाम लगाने को कहा प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को 565 आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि 2.71 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। फोन में डाउनलोड करें मतदाता कार्ड। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सोमवार को मतदाता पहचान पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की शुरुआत करेंगे। मैदान में कोहरे का अलर्ट, उड़ाने हो सकती हैं प्रभावित। तो उत्तराखंड में रविवार को कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग की माने तो इस बार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तराखंड के ऊपर से गुजर गया। राज्य में अगले 4-5 दिन शुष्क गुजरेंगे। वहीं आने वाले दिनों में एक बार फिर हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपदों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना जताते हुए येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। कोविड अस्पताल फरवरी से सबके लिए खुलेंगे। तो राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए कोविड अस्पतालों को पूरी तरह खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कुंभ के लिए रेलवे तैयार, जरूरत पड़ी तो बढ़ेगी ट्रेनें। तो कुंभ मेले को लेकर के रेलवे पूरी तरह से तैयार है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे लाइन दोहरीकरण से कुंभ के दौरान यात्रियों को ट्रेनों का देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मसूरी में उमड़े पर्यटक, देर शाम लगा जाम। तो दून में साप्ताहिक बंदी और छुट्टियों के चलते पर्यटक स्थल गुलजार रहे, पर्यटक स्थलों में खूब पर्यटक उमड़े। वहीं मसूरी में रविवार को काफ़ी चहल पहल रही। वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के कारण मसूरी में होटलों में 90% बुकिंग रही।
परीक्षाओं के कारण भी लगा जाम, तो प्रेमनगर बाजार से नंदा की चौकी के बीच रविवार को जाम की स्थिति रही। यातायात प्रभावित होने का कारण लॉ कॉलेज के आसपास सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े बने। मौके पर पुलिस ने बमुश्किल यातायात का संचालन कराया। दरअसल रविवार को लॉ कॉलेज में आयोजित ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग की परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में छात्री पहुंचे। मतदाता दिवस पर आज बूथों पर मिलेंगे बीएलओ, तो 25 जनवरी को जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। इस दौरान मतदाता बनने या इससे जुड़े अन्य फॉर्म भी उनके पास उपलब्ध होंगे। साथ ही इस दौरान आयोग से मतदाता बनने को लेकर जारी शपथ भी दिलाई जाएगी। बालिका दिवस पर 159 छात्राओं को मिले स्मार्टफोन, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 159 टॉपर छात्राओं के लिए खुशियों का दिन बनकर आया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने छात्राओं को स्मार्टफोन और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हर जिले से हाई स्कूल और इंटर की प्रथम तीन और हर ब्लॉक से इंटरमीडिएट की एक टॉपर को स्मार्टफोन दिया गया। किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर जुर्माना, तो किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने रविवार को 36 भवन मालिकों का चालान किया। शिक्षक बोले संस्कृत के रिक्त पद जल्द भरे सरकार, तो शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता से भरने की मांग की। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा उठा। शिक्षकों ने कहा कि एक ओर तो संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा हासिल है, वहीं स्कूलों में संस्कृत के LT और प्रवक्ता कैडर के शिक्षक की कमी है। युवक की मौत प्रकरण में होटल संचालक समेत तीन पर केस दर्ज किया गया, तो राजपुर थाना क्षेत्र में होटल की बालकनी से गिरकर मरे युवक की मौत के मामले में होटल मालिक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में बेसिक कक्षाओं में ऑनलाइन ही चलेगी पढ़ाई, तो राज्य में बेसिक कक्षाओं के छात्रों को अभी ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करानी होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के संकेत के बाद शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को खोलने का प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी सीएम कार्यालय से 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए हरी झंडी मिली है, लेकिन इसके साथ 6ठी से 8वीं कक्षाओं को भी शुरू करने का सुझाव दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अगली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाने को कहा है। 97% ने दी ऑल इंडिया बार की परीक्षा, तो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 15वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा का लॉ कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसमें 97% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दून के कैप्टन रस्तोगी गणतंत्र दिवस परेड में सार्थक दिखेंगे, तो दून वासियों के लिए एक और गर्व करने का अवसर आया है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में दून के कैप्टन अक्षय रस्तोगी इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल सार्थक को संचालित करते हुए दिखाई देंगे। पुलिस में जल्द की जाए भर्ती, तो UKD ने उत्तराखंड पुलिस में पिछले 7 साल से भर्ती न होने पर सवाल उठाए हैं। दल ने पुलिस भर्ती को जल्द खोलने की मांग करते हुए आयु सीमा में छूट मांगी है। चंपावत से खबर आई, देव की अंतिम विदाई में सैकड़ों समर्थक रो पड़े, तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम देव का अंतिम संस्कार ताड़केश्वर घाट में किया गया। जंगल में लगी आग बुझाते समय सास बहू झुलसी, तो अल्मोड़ा से खबर आई, लमगड़ा ब्लॉक के थाना मठेना गांव में पंचायत में जंगल में लगी आग को बुझा रही दो महिलाएँ आग में झुलस गई। लकड़ी लेने गई किशोरी घायल रेफर, तो अल्मोड़ा से खबर, जंगल में साथियों संग लकड़ी लेने गई एक किशोरी गिरकर घायल हो गई। रानीखेत का इतिहास रहा गौरवशाली, तो प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध पर्यटन नगरी रानीखेत का इतिहास भी गौरवशाली रहा। सेना खेल सांस्कृतिक सहित तमाम क्षेत्रों में नगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पर्यटन नगरी के 151वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रशासन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय रानीखेत उत्सव का समापन किया गया। चौखुटिया में 3 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं, तो YouTube वीडियो से वाहन चोरी सीखते थे, तो जिले भर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने धर पकड़ की कार्रवाई तेज कर दी है। नवनियुक्त SSP ने सख्त रुख के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी पाई है। पुलिस ने 3 साथिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। टिहरी से खबर आई, टिहरी में गुलदार की खाल के साथ एक गिरफ्तार,
तो एसओजी की टीम ने गुलदार की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुरोला में फिल्म अभिनेता सैफ के खिलाफ प्रदर्शन, तो वेब सीरीज के माध्यम से देवताओं के अपमान का आरोप लगा। तो फिल्म स्टार सैफ अली खान के भारतीय धर्म व देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने तथा गलत तरह से अपने वेब सीरीज के माध्यम से प्रसारित करने के विरोध में हिंदू संगठनों के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। पुरानी पेंशन बहाली को प्रदर्शन, तो पिथौरागढ़ में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। तो विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी व शिक्षकों का जिला मुख्यालय में अधिवेशन हुआ। जिले भर के कर्मचारी जुटे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। डीडी हाट के घर में आग लगने से सामान खाक हो गया। तो डीडी हाट स्थित चौबाटी क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लगने से 20 लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। महिला की मौत के मामले में पति और देवर गिरफ्तार। तो टनकपुर से खबर है। टनकपुर में दो माह पूर्व महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के में मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति और देवर के को गिरफ्तार कर लिया है। झूलाघाट में रेप का आरोपी धरा गया। तो क्षेत्र में एक गांव की नाबालिग से दुराचार का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। शनिवार रात आरोपी युवक नाबालिग से मिलने उसके घर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोचा और जेल भेज दिया। बंगा पानी में दादी पोती पर धारदार हथियार से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो बंगा पानी में दो दिन प्रेमिका व उसकी दादी पर धारदार हथियार से हमला करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। रालम में 40 मीटर पीछे खिसका गोरी का उद्गम। तो जलवायु परिवर्तन का असर ग्लेशियरों समेत जीवनदायिनी नदियों के उद्गम स्थल पर भी देखने को पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते असर इतना बढ़ गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम भी पीछे की तरफ खिसकने लगा है। पूर्व तक शंगलपा के समीप प्रभावित होने वाली गौरी नदी का उद्गम वर्तमान में 40 से 45 मीटर पीछे खिसक गया है। लगातार पिघल रहे ग्लेशियर को अब स्थानीय नागरिक भी महसूस करने लगे हैं। पिथौरागढ़ से खबर है। 26 जनवरी परेड में शामिल होंगे दो छात्र। तो LSM महाविद्यालय के दो छात्र इस साल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ में होने वाली परेड में शामिल होंगे। हादसे में मृतक के परिजनों को 68 लाख देने के आदेश। तो सितारगंज से खबर है। यह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अपर जिला जज खटीमा ने सड़क हादसे में मृत के परिजन को 68,60,000 रुपये देने की रकम बीमा कंपनी को भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं। संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। सितारगंज से खबर आई है। उकरोली में बेकाबू वाहन से जान पर बनी। तो बेकाबू कार और डंपर ने उकरोली में दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कार चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जबकि डंपर बेकाबू होकर पलट गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं काशीपुर से खबर है। कोहरे में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, बच्ची की मौत हो गई। काशीपुर में एक ही रात में तीन दुकान और घर में टूटे ताले। तो चोरों ने एक ही रात में तीन दुकानों और एक घर का ताला तोड़कर पुलिस को चुनौती दे दी। राज्य के युवाओं को नौकरी में मिले 75% आरक्षण। तो देव सेना संगठन की वार्षिक योजना बैठक हुई। इसमें अब तक केंद्र और राज्य सरकारों पर पर्वतीय मूल के निवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही संगठन संगठित होकर लड़ाई लड़ने का शंखनाद किया। संगठन ने राज्य के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, चंबा में बनेगा मिनी स्टेडियम। तो प्रदेश सरकार ने जिला योजना की बची हुई 65.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने पर सहमति दे दी है। अम्ब्रेला एक्ट के खिलाफ आंदोलन का मामला, तो कार्रवाई के खिलाफ शिक्षक संघ ने भेजा जवाब, नामों की सूची देने से इनकार। तो DAV और DBS PG कॉलेज के प्राचार्य ने भेजा लिखित जवाब। गुप्त काल से खबर आई है। उपभोक्ताओं ने शिकायत मंच के सदस्यों को बनाया बंधक। तो JEE के अभद्र व्यवहार व समस्याओं का समाधान न होने पर फूटा गुस्सा। आज से हेलीकॉप्टर से करें हिमालय दर्शन। तो जोशी मठ के रविग्राम हेलीपैड से सेवा शुरू होगी। सुबह से शाम तक उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर, 10 मिनट तक लगाएगा चक्कर।
गुलदार की खाल के साथ एक दबोचा गया। तो नई टिहरी से खबर है, जहाँ पे पकड़ी गई खाल की कीमत 10 लाख रुपए, आरोपी ले जा रहा था तंत्र मंत्र के लिए। नियोजन विभाग में 4 नए पदों पर नियुक्ति का आदेश। तो प्रदेश में 5 नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में कचरा प्रबंधन का काम अब आगे बढ़ सकेगा। रविवार को मुख्यमंत्री ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट जारी करने पर सहमति दे दी है। पवनदीप की गायकी के मुख्यमंत्री भी मुरीद, वोट देने की अपील की। तो इंडियन आइडल 2021 गायकी के शो में धूम मचा रहे पवनदीप राजन की गायकी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुरीद हो गए। रविवार को उन्होंने मशहूर रियलिटी सिंगिंग के ग्रैंड फिनाले में पवनदीप को समर्थन और वोट देने की अपील की। धून के अनुराग से आज प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित देहरादून के अनुराग रमोला से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। हत्या कर बिजनौर में फेंका था कारोबारी का शव। तो ऋषिकेश से गायब कारोबारी राजकुमार गुप्ता की रुपयों के लेन देन में हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लापता नाबालिग लड़की 24 घंटे में बरामद। तो कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नाबालिग लड़की को बरामद करने में कामयाबी पाई। शनिवार को पुलिस में नाबालिग की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। लड़की को उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं खबर है, देहरादून से महिला से छेड़खानी पर आईएसबीटी पर हंगामा। तो आईएसबीटी पर शनिवार की देर रात एक महिला से छेड़खानी को लेकर हंगामा हो गया। पीड़ित महिला ने गुस्से में आरोपी को थप्पड़ भी मारे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देहरादून से खबर है, 219 फौजियों के परिवारों का हुआ सम्मान। बात करते हैं जॉब एड को लेकर के, तो भारतीय रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 241 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 12 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन सहित विभिन्न पद पर रिक्त तो 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के पदों पर करें आवेदन, तो 1088 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पद शामिल हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। 1-2-3 फरवरी को साक्षात्कार होगा। एक दिन के मुख्यमंत्री सृष्टि ने दिखाए तेवर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी ने खूब तेवर दिखाए। बतौर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को उन्होंने बाल अपराधों पर लगाम लगाने को कहा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने किया स्वागत। तो सृष्टि के विधानसभा पहुंचने पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हरिद्वार में होने की वजह से उनके स्थान पर उन्हें कार्यक्रम में आना पड़ा है। असल जिंदगी में भी बनना चाहती हैं सीएम, तो एक दिन की सीएम बनी रुड़की बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी कृषि की छात्रा सृष्टि का कहना है कि एक चुनाव प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वह बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री बनी है। भविष्य में मौका मिला तो वह राजनीति में आकर असल रूप में भी सीएम बनना चाहेंगी। दून चिड़ियाघर में 3,708 लोगों ने किया वन्य जीवों का दीदार। स्कूटी रैली निकाल, बेटियों ने दिया शक्ति का संदेश। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर गढ़वाल भर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। ओली में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, रोपवे के टिकट के लिए रही मारामारी। पुलिस की मौजूदगी में बिके टिकट। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 6 घंटे में 86 कार्यों की समीक्षा, पुलों का निरीक्षण। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून से लेकर हरिद्वार तक 86 कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर के अलर्ट जारी। तो कोरोना महामारी के खौफ के बीच इस बार 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। 26 जनवरी को लेकर के हरिद्वार पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। 2 से चलेगी लिंक और दून काठगोदाम एक्सप्रेस। तो मकर संक्रांति पर्व से पहले लिंक एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाना था। कोच की कमी के कारण रेलवे संचालन शुरू नहीं कर पाया था। अब 2 फरवरी से इन ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी यह सप्ताह में 3 दिन ही चलेंगी।
मैदान के पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। तो पहाड़ के बाद अब मैदानी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने की उम्मीद है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इस संबंध में एक पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी से नैनीताल तक जाम में रेंगते रहे वाहन। तो नैनीताल में रविवार सुबह से शाम तक पर्यटकों का तांता लगा रहा। नाला बनाने में टूट गई पेयजल लाइन। तो रामपुर रोड और बरेली रोड पर पानी का संकट बना हुआ है। परेड का पूर्वाभ्यास। तो गणतंत्र दिवस को लेकर के रविवार को पुलिस जवानों ने फुल ड्रेस के साथ पूर्वाभ्यास किया। नकली दरोगा असली पुलिस के हाथे चढ़ा। तो वर्दी पहनकर सरेराह लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाला बदमाश साथी सहित पुलिस के हाथे चढ़ गया। दोनों ने 6 दिन पहले हल्द्वानी के एक बुजुर्ग को बुजुर्ग की सोने की अंगूठी और चेन झपट ली थी। बदमाश नकली दरोगा बनकर कई लोगों को ठग चुका है। देवलचोड़ में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री। केमिकल मिलाकर बना रहे थे देसी शराब। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। चंपावत से खबर है, हृदयाघात से कांग्रेस जिलाध्यक्ष का निधन हो गया। मुनस्यारी में पार्किंग की सुविधा तक नहीं। तो पर्यटक नगरी में साल भर रहती है देश विदेश से पर्यटकों की आवाजाही। रुद्रपुर से खबर है, ट्रक से कुचलकर महिला की मौत हो गई। तो शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती बहनोई से मिलकर लौट रही बाइक सवार महिला को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। बाजपुर से खबर आई है, डांग के नीचे दबकर युवक की मौत हो गई।